मेंटल हेल्थ में, मानसिक स्वास्थ्य में करना हो सुधार तो बस रोजाना करो इतने मिनट का वॉक। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। क्या है कि वॉकिंग जो है, चलना, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत सस्ता और मस्त एक्सरसाइज है, पैसे लगते नहीं है और आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर एक, आप क्या करो, वॉक को हैबिट बना लो। ध्यान पे आ रहा है, उठना कठिन है, आप क्या करो कि उसको हैबिट बनाने के लिए कम से कम आप 45 दिन तक कंटिन्यूस रोज वॉक को जाओ और थोड़ा 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 रोज बढ़ाओ। कोई भी हालत में 24 घंटे में आपको वॉक करना ही करना है, भले शब सवेरे करो, शाम को करो, जब भी कभी करना है। तो पहला है कि वॉक को हैबिट बनाओ। नंबर दो का मुद्दा जो है, पॉइंट है कि भाई फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि आपको अच्छा रखता है तो मिनिमम से मिनिमम 30 मिनट का वॉक करना चाहिए, 30 मिनट्स। और वॉक ऐसा होना चाहिए कि फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग करें, फटफट फटफट चल रहे, मतलब 120 से 125 कदम एक मिनट में, वो करना जरूरी है। नंबर तीसरा मुद्दा जो है कि यदि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन है तो आप डेफिनेटली वॉक करना चालू करो। आप बगीचे में जाओ, वहाँ वॉक करो, हरियाली में जाओ, कहीं भी वहाँ वॉक करो, नदी किनारे जाओ, वहाँ वॉक करो, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। चौथा पॉइंट, रोज़ आप चलते हैं तो दिमाग की कोशिकाएं जो है वो सक्रिय होती है, दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय होती है, खून दिमाग में अच्छा जाता है, अच्छा पहुँचेगा, ऑक्सीजन पहुँचेगा, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पाँचवा पॉइंट है, शाम को वॉक करो। यदि शाम को आप यदि वॉक करते हैं तो आप थक जाएंगे, आपको नींद अच्छी आ जाएगी, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और छठवां पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि भाई आप जब वॉक करते हैं, चलते हैं, तो आप बहुत एक्टिव होते हैं, आप बीमारियों से बचते हैं, जिससे कि आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करेंगे। और फिर देखो कितना चमत्कार होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई पैसा लगता नहीं है। आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपका हार्ट जो है, हृदय, दिल, वो पक्का रहेगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और आप जब एक्सरसाइज करेंगे चलने की, तो आपको आने के बाद में वो स्फूर्ति आएंगी, आप हल्कापन महसूस करेंगे। चलने में चर्बी बहुत कम हो जाती है, चर्बी जो है शरीर के ऊपर की वो बहुत कम हो जाती है चलने का व्यायाम आप करते हैं तो। और रिकमेंडेड ये है कि आप एक 50 से 60 किलो वजन जिसका है, और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, उसमें मेंटेन रखने के लिए अपना फिटनेस रखने के लिए कम से कम 6 से 8 किलोमीटर चलना चाहिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार आपको 10,000 कदम, इसका मतलब 8 किलोमीटर रोज चलना चाहिए, आप फिट रहेंगे। और वो 8 किलोमीटर में आपने कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका हार्ट रेट जो है वो दुगुना, कम से कम डेढ़ या दुगुना हो जाएगा। मतलब आपका हार्ट रेट 80 है तो उस समय 120 होना चाहिए, डेढ़ गुना, तब तक आपने फास्ट चलना चाहिए, या आपका रेस्पिरेशन भी, मतलब दम लग रहा है, सांस लग रही है, ऐसा चलना चाहिए आपने, ब्रिस्क वॉकिंग। आपको चलने की आदत नहीं है तो आप पहले आराम से चालू करो, आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर चलो, आराम आराम से चलो, धीरे 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 बढ़ाते जाओ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को भेजो जिनको वजन कम करना है, फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, मस्त रहना है, ज़बरदस्त रहना है। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।